I look at you and it's easy to see. You are that someone I've been trying to meet. I got you. देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा एक दंत दयावंत चार भुजा धारी माथे सिंदूर सोहे मूसे की हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योति बिश नेगी व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और हम भी बढ़िया हैं। तो दोस्तों, मेरी फैमिली की तरफ से आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई होप गणपति बाप्पा आपके घर पे बहुत सारी खुशियां लेके आए। तो दोस्तों, आपके लिए मैं स्पेशल गणपति बाप्पा के लिए ब्लॉग लेके आई हूँ। और आज हम लोगों ने भी पूजा कर ली है। हम गणपति बापा घर पे लेके नहीं आते, लेकिन जो हमारे घर पे गणपति हैं हम उन्हीं की पूजा करते हैं। सो हमने पूजा कर ली है, देख सकते हैं मंदिर में गणपति बापा। दिखाती हूँ आपको, देख सकते हैं आप। तो हमने पूजा कर ली है और अभी हम मतलब और भी फ्रेंड्स हम लोग मंदिर जाएंगे और क्या कहते हैं वहाँ पर बड़े गणपति आने वाले हैं। गणपति बापा की स्थापना होने वाली है हमारे मंदिर में आईआईटी के। सो वो आपको सारा कार्यक्रम में आपको दिखाऊंगी और इन दिनों में आपको बापा के स्पेशल ब्लॉग दिखाऊंगी। आप ज़रूर मेरे इन प्यारे प्यारे ब्लॉग्स को बहुत सारा प्यार देना और मैं चाहती हूँ आप मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। बिल्कुल, जो मेरा बेटा बोल रहा है वो ज़रूर करना है। वो भी रेडी हो चुका है पापा का वेलकम करने के लिए। तो अभी यहाँ पर जय गणेश भगवान जी, गणपति पापा मोरिया। सो ऐसे ही बने रहिए मेरे इस व्लॉग में, आपको मैं आगे बहुत कुछ दिखाने वाली हूँ। तब तक के लिए ऐसे ही बने रहिए। तो हम जा रहे हैं गणपति पापा का वेलकम करने के लिए और आईआईटी के अंदर बप्पा आ चुके हैं। आपको म्यूजिक सुनाई दे रहा होगा मेरे पीछे से, तो अभी दिखाती हूँ मैं आपको बप्पा जी।
तो हम लोग डांस करते करते बस मंदिर की तरफ पहुँच ही रहे थे, बहुत धीमी गति से। देख सकते हैं बहुत टाइम लग गया हमें मंदिर पहुँचने में, थोड़ी सी जगह से। तो आप देख सकते हैं आंटी और समिता भी डांस कर रहे हैं और हम मंदिर पहुँच चुके हैं। अब गणपति बप्पा की मूर्ति को निकाला जाएगा, स्टेज तक लेके आएंगे। और देख सकते हैं आप, बप्पा की मूर्ति आ चुकी है स्टेज तक और बहुत ही प्यारा सजाया गया है स्टेज को। आप देखेंगे मेरी अभी आगे वीडियो में। दोस्तों, और मूर्ति काफ़ी बड़ी थी जिसको उठाने के लिए काफ़ी लोगों की ज़रूरत पड़ी। देख सकते हैं आप, बहुत देर बाद उठी मूर्ति और पूरा स्टेज भर चुका था स्टूडेंट से, जो IIT मेंबर्स हैं सब। तो देख सकते हैं आप किस तरीके से गणपति बप्पा का स्वागत कर रहे हैं सभी लोग मिलकर। गणपति बप्पा की स्थापना हो चुकी है और आपने देखा ही होगा, बस अभी प्राण प्रतिष्ठा होगी। तो अब आपको मैं सीधा शाम को दिखाती हूँ गणपति बप्पा की आरती के समय पे। आपको गणपति बप्पा के दर्शन और मूर्ति बहुत अच्छी लगी होगी मुझे पता है, और आपको मैं शाम वाली आरती भी दिखाऊंगी ज़रूर। इसी तरीके से मेरे इस ब्लॉग में बने रहिएगा और मेरे ब्लॉग को बहुत सारा प्यार देना और लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना। चेंज कर लिया है और अब मैं शाम की आरती के लिए आपको गणेश बप्पा के दर्शन कराने वाली हूँ। अभी यहाँ पर भी दिया जलाती हूँ, थोड़ा सा खाना बना के फिर निकलते हैं मंदिर के लिए। तो मैं आपको दिखाती हूँ गणेश बप्पा की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा। सो ऐसे ही बने रहिएगा मेरे इस ब्लॉग में। हेलो, हरे कृष्णा। हेलो, जो भी भक्त आपने घर से अपनी तरफ से प्रसाद लाए हैं
और मंदिर में देख सकते हैं आप कि किस तरीके से पूरे मंदिर में भीड़ हो रखी है। सभी लोग मंदिर में आ चुके हैं भगवान जी की मूर्ति को देखने के लिए। और मैं आपको आगे से भी दिखाती हूँ कितने सारे लोग आगे बैठे भी हैं, ये देख सकते हैं आप। दोस्तों आपने देखा ही है कि कैसे मूर्ति की स्थापना की गई है और ये पूरा व्लॉग मैंने आप लोगों के लिए शूट किया है IIT इंदौर में किस तरीके से गणपति बप्पा का पूरा प्रोग्राम किया जाता है और ये पूरे 11 दिन तक चलेगा। तो आपको मैं सारे अपडेट्स देती रहूँगी अपने ब्लॉग के ज़रिए और मुझे पता है आपको अच्छा ही लगेगा क्योंकि गणपति बप्पा मोरिया। सो दोस्तों मेरे इस व्लॉग को बहुत सारा प्यार देना और लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना क्योंकि उसी में थोड़ी कंजूसी कर लेते हो आप। सो प्लीज़ मेरे व्लॉग को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी के लिए मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे व्लॉग्स लेके आती रहूँगी। तब तक ऐसे ही बने रहिए मेरे व्लॉग के साथ। बाय बाय।